तो भाई अगर आपका बजट भी 45 से लेकर 50,000 है और आपको एक बेस्ट स्मार्टफोन बाय करना है तो अभी के टाइम पे लेटेस्ट दो स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ओप्पो की तरफ से ओप्पो रेनो 8 प्रो स्मार्टफोन देखने को मिलता है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 45,999 यानी 46,000 से स्मार्टफोन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन भाई अभी इस पर बहुत ही तगड़ा ऑफर चल रहा है जिसके बाद में ICICI या फिर बड़ौदा के कार्ड को आप यूज कर लेते हो तो 4,000 रुपये यानी 4,000 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जिसके बाद में ये स्मार्टफोन डेफिनेटली 42,000-43,000 के करीब मिल रहा है। लेकिन वहीं पर आपको देखने को मिलता है आइको की तरफ से एक बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन आइको 9T 5G स्मार्टफोन, जिसके अगर लॉन्च की बात करें तो 8GB रैम 128GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ में ये स्मार्टफोन 49,999 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है यानी 50,000 तक जाता है। बट यहां पर भी आपको इंस्टेंट 4,000 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है कार्ड ऑफर के बाद में, जिसके बाद में आपको यह स्मार्टफोन डेफिनेटली 45,000 के करीब देखने को मिलता है। और भाई अगर आप एक्सचेंज ऑफर का इस्तेमाल कर लेते हो यानी कि किसी पुराने फोन को एक्सचेंज कर देते हो तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन भी 45,000 के अंदर देखने को मिलता है। तो अब ऐसे में आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे और बोल रहे थे कि भाई ओप्पो रेनो 8 प्रो लें या फिर आईको 9T स्मार्टफोन लें, इन दोनों स्मार्टफोन में से किस स्मार्टफोन को लेना चाहिए, गेमिंग के लिए, कैमरा के लिए, डिजाइन के लिए, बैटरी के लिए, चार्जिंग के लिए कौन सा फोन बेस्ट हो जाता है, ओवरऑल एक बढ़िया स्मार्टफोन हो जाता है। तो उसके लिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, जहां पर हम स्पेसिफिकेशन वाइज कंपैरिजन करेंगे ओप्पो रेनो 8 प्रो का आईको 9T से, देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होगा। हे गाइस, मैं हूं सियोम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर सियोम यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कमाल के कंपैरिजन वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करके सबसे पहले दोनों फोन्स के बिल्ड, लुक और डिजाइन की बात करें, बात करना चाहेंगे ओप्पो रेनो 8 प्रो को लेकर, बिकॉज ये जो फोन होता है ना वो डिजाइन सेंट्रिक भी होता है कैमरा सेंट्रिक होने के साथ साथ में, यानी ओप्पो की रेनो सीरीज, तो यहां पर आपको डिजाइन कमाल की मिल जाती है। हालांकि दोनों फोन के बैक में अमेजिंग ग्लास बिल्ड का यूज किया गया है और मेटल का फ्रेम देखने को मिलता है, तो यहां पर तो दोनों फोन इक्वल हो जाते हैं बिल्ड क्वालिटी वाइज। लेकिन अगर लुक वाइज देखें तो डेफिनेटली ओप्पो रेनो 8 प्रो थोड़ा सा अच्छा लगता है, फ्लैट एजेस देखने को मिलते हैं, बॉक्सी कॉर्नर्स देखने को मिलते हैं और गाइस डेफिनेटली इस प्राइस के ऊपर एक हल्का स्मार्टफोन भी हो जाता है। इसके वेट की बात करें तो 185 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है और भाई फ्लैट एजेस और बॉक्सी कॉर्नर्स की वजह से आईफोन वाले फीलिंग भी आपको दे देता है, इन हैंड फील भी आपका अच्छा रहने वाला है इस फोन के साथ में। वहीं पर आईको 9T की बात करें तो यहां पर बिल्ड क्वालिटी तो सेम हो जाता है, बट ये जो फोन है ना थोड़ा सा हैवी है ओप्पो रेनो 8 प्रो के कंपैरिजन में, 206 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि डेफिनेटली 200-206 ग्राम का वेट थोड़ा सा हैवी लग सकता है। जहां पर अगर कलर ऑप्शन की बात करें तो दोनों ही फोन के साथ में दो दो कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ओप्पो रेनो 8 प्रो के साथ में आपको ग्रीन और ब्लैक जैसे कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आईको 9T की बात करें तो यहां पर भी दो कलर ऑप्शन मिलते हैं, एक तो पूरा ब्लैक ऑप्शन मिलता है जो कि ऊपर से नीचे तक ब्लैक है, एंड दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है BMW स्ट्रिप एडिशन जो कि रेसिंग स्ट्रिप के साथ में आता है, जो कि लुक वाइज अच्छा लगता है। एंड गाइस आप नीचे कमेंट करके बताओ कि लुक वाइज आप किस फोन को चूज कर रहे हो। अगर मुझे चूज करना होता डेफिनेटली ओप्पो रेनो 8 प्रो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाकी बिल्ड क्वालिटी वाइज दोनों फोन इक्वल हो जाते हैं, तो यहां पर जो कंपैरिजन है ना वो टाई अप हो जाता है। यहां पर आपको चूज करना है कि लुक वाइज कौन सा फोन अच्छा लग रहा है। लेकिन भाई जहां पर बात आएगी दोनों फोन की डिस्प्ले को लेकर, तो यहां पर डिफरेंस होता है और कुछ कुछ जगहों पे ना कुछ बड़ा डिफरेंस होता है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। दोनों फोन की जो डिस्प्ले है वो सेंटर पंच होल कटआउट के साथ में आते हैं, दोनों ही में फ्लैट स्क्रीन देखने को मिलती है और दोनों फोन की जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है डेफिनेटली कमाल की देखने को मिलती है। यहां पर अगर बात करें तो दोनों फोन में कुछ इक्वालिटी देखने को मिलती है डिस्प्ले के अंदर भी, जैसे दोनों ही फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलते हैं, दोनों ही में फुल HD+ रिजोल्यूशन की सपोर्ट मिलती है। एंड अगर डिस्प्ले साइज की बात करें तो ओप्पो रेनो 8 आता है 6.7 इंच की स्क्रीन के साथ में, लेकिन भाई आईको 9T के साथ में आपको 6.78 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो अगर थोड़ी सी बड़ी बात करें ना तो आईको 9T वाले डिस्प्ले हो जाती है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो ओप्पो रेनो 8 प्रो के साथ में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है फ्रंट और बैक में ही। वहीं पर आईको 9T के जो फ्रंट में प्रोटेक्शन देखने को मिलता है ना वो इनका स्कॉट सेंसेशन अप ग्लास वाला प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जो कि डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं खराब नहीं होता है एंड गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन जैसा ही होता है। लेकिन भाई दोनों ही फोन्स के साथ में आपको इक्वल टेम्पर्ड ग्लास लगाना पड़ेगा, तो यहां पर भी बहुत बड़ा अंतर नहीं मिलता है। बाकी गाइस अगर बात करें डिस्प्ले में डिफरेंसेस को लेकर, तो दोनों फोन 120Hz हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आते हैं, दोनों ही में 360Hz के टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट मिलता है। लेकिन जो मेन डिफरेंस मिलता है ना भाई वो मिलता है आईको 9T वाले डिस्प्ले के हाई रिफ्रेश रेट के अंदर, कि भाई यहां पर आपको जो इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है गेमिंग के टाइम पे वो 1200Hz तक चला जाता है, जो कि एक आईको की बहुत ही कमाल की चीज है। और भाई गेमिंग के टाइम आपको ये चीज दिखने वाली है, मतलब स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो भाई जिनको भी गेमिंग ओरिएंटेड डिस्प्ले चाहिए डेफिनेटली आईको 9T स्मार्टफोन को यहां पर प्लस पॉइंट मिलते हैं। लेकिन भाई ओप्पो रेनो 8 प्रो की जो डिस्प्ले है ना वहां पर आपको 10 बिट वाला पैनल देखने को मिलता है और आईको 9T के साथ में 8 बिट वाला पैनल देखने को मिलता है। अब ये बेसिक डिफरेंस है जो कि बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे, लेकिन एक अच्छा डिफरेंस है, मतलब जो ओप्पो रेनो 8 प्रो की डिस्प्ले है ना यहां पर आपको कलर्स थोड़े पंचे मिल जाएंगे, थोड़े और ज्यादा अच्छे देखने को मिल जाएंगे। जहां पर अगर डिस्प्ले पैनल की बात की है तो ओप्पो रेनो 8 प्रो के साथ मिलता है एमोलेड पैनल, तो आईको 9T के साथ में आपको E5 एमोलेड पैनल देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं दोनों फोन की जो डिस्प्ले ना वो कमाल की हो जाती है, बट हां आईको 9T में यहां पर ना 10 बिट वाली डिस्प्ले जरूर मिसिंग लगती है, होनी चाहिए थी। लेकिन गाइस अगर बात करें ना डिस्प्ले ब्राइटनेस को लेकर, तो ओप्पो रेनो 8
प्रो में आपको 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, तो आईकू 9T के साथ में 1500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो सुनने में नंबर्स आईकू 9T के अंदर ज्यादा लग रहे होंगे और ऐसा लगेगा कि ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, बट हाँ यहाँ पर ना ओपो रिनो 8 प्रो को बहुत ज्यादा बीट नहीं कर पाता है, बिकॉज ओपो रिनो 8 प्रो में 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी बहुत ही कमाल की ब्राइट है, मतलब डिस्प्ले आपको दोनों फोन की ब्राइट देखने को मिल जाती है। लेकिन भाई अगर बात आती है कि डिस्प्ले वाइज कौन सा फोन विनर हो जाता है, तो डेफिनेटली मैं बोलना चाहूंगा दोनों ही फोन कॉन्टेंट वॉचिंग के लिए बेस्ट है। दोनों ही फोन में अगर गेमिंग की बात करें तो आईकू 9T थोड़ा सा आगे निकल जाता है, तो डिस्प्ले वाइज अगर चूज करना हो तो आपकी चॉइस हो सकती है, बट मैं अगर चूज करता तो आईकू 9T वाले को चूज करता। बाकी ओपो रिनो 8 प्रो की डिस्प्ले भी बेस्ट हो जाती है इस प्राइस के ऊपर। लेकिन अगर बात करें दोनों फोन के परफॉर्मेंस को लेकर, गेमिंग को लेकर, कौन सा फोन बेस्ट हो जाता है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझना। ओपो रिनो 8 प्रो के साथ में आपको मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 वाला चिपसेट। अब ये 5nm फैब्रिकेशन प्रोसेस के साथ में आने वाला एक चिपसेट है। वहीं पर अगर बात करें ना आईकू 9T की, तो यहां पर आपको एंड्रॉइड की दुनिया का सबसे पावरफुल चिपसेट मिलता है, स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 वाला सीपीयू। लेकिन गाइस अगर बात करें कि कौन सा चिपसेट बेस्ट हो जाता है, डेफिनेटली एक वर्ड में बोल सकता हूं स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1, जो कि आपको आईकू 9T के साथ देखने को मिलता है। जहां पर अगर एंटीटू स्कोर को भी देखें ना, तो जो ओप्पो रिनो 8 प्रो के साथ में आ रहा है वो 7 लाख के करीब देखने को मिलता है। और भाई वहीं पर अगर बात करें आईकू 9T के साथ में, तो आपको यहां पर बहुत ही कमाल का एंटीटू स्कोर भी देखने को मिलता है, 1 मिलियन के करीब का देखने को मिलता है। बाकी दोनों ही फोन्स में DDR5 रैम मिलती है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलती है। सॉफ्टवेयर को अगर देखें तो दोनों फोन एंड्रॉइड 12 के साथ में आते हैं। लेकिन अगर OS की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो यहां पर जो ओप्पो रिनो 8 प्रो है कलर OS 12.1 पर आता है, आईकू 9T फंटच OS 12.1 पर आता है। अब गाइस आपकी चॉइस हो सकती है, आपको फंटच OS अच्छा लगता है, कलर OS अच्छा लगता है। अगर मेरी पर्सनल चॉइस की बात करो ना, तो कलर OS थोड़ा सा बेस्ट हो जाता है फंटच OS के मुकाबले, थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है फंटच OS के मुकाबले। लेकिन भाई सॉफ्टवेयर को लेकर एक गुड न्यूज है आईकू 9T के साथ में, कि भाई अगर आप इस स्मार्टफोन को लेते हो ना, तो ब्रांड ने क्लेम किया है कि 3 ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट देंगे, यानी 3 ईयर तक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट देखने को मिलेगा, एंड सिक्योरिटी पैचेस अपडेट आपको 4 साल के देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है अपडेट्स को लेकर। ओप्पो रिनो 8 प्रो को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, बट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि भाई 2 ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। 5G बैंड की बात करें तो आईकू 9T के साथ में आपको कंफर्म 9 5G बैंड देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ओप्पो रिनो 8 प्रो के साथ में आपको 12 यानी 12 5G बैंड मिल रहे हैं। लेकिन घबराओ नहीं, अभी जो इंडिया के अंदर 5G स्पेक्ट्रम सामने निकल कर आए हैं, उसके अकॉर्डिंग दोनों ही फोन के साथ में आप 5G इजिली एक्सेस कर पाओगे। लेकिन फाइनली अगर बात करें परफॉर्मेंस को लेकर, ओवरऑल कौन सा फोन बेस्ट हो जाता है, तो भाई यहां पर एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप हैवी गेमिंग करते हो ना, 2 से 3 घंटे 4 घंटे लगातार, आईकू 9T आपको लेना है, बिकॉज यहां पर आपको गेमिंग के लिए अलग से ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलती है आईकू की, प्लस यहां पर आपको काफी सारी फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे लिक्विड कूलिंग चैम्बर काफी बड़ा दिया जाता है गेमिंग के लिए। इसके अलावा भाई यहां पर जो आपको हैप्टिक्स मिलता है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होता है बाकी ब्रांड्स के कंपैरिजन में, और भाई बहुत सारे ऐसे फीचर डिस्प्ले के ऊपर आपको V1 प्लस चिप का जो एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा वो कमाल का मिलेगा। तो गेमिंग के लिए डेफिनेटली आंख बंद करके आईकू 9T लेना है। बट गाइस यहां पर जो ओप्पो रिनो 8 प्रो है ना, वहां पर भी काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है इन्होंने इस चिपसेट के साथ में, और भाई 90 FPS तक की गेमिंग आपको ओप्पो रिनो 8 प्रो करवा दे रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हो और बाकी डिजाइन भी अच्छी चाहिए, ओप्पो रिनो 8 प्रो भी गेमिंग को लेकर एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। बट याद रखना, अगर आप दिन भर गेमिंग से चिपके रहते हो, हैवी गेमर हो ना, डेफिनेटली आईकू 9T बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। लेकिन भाई परफॉर्मेंस के साथ में एक और सेक्शन होता है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ज्यादा यूज करने के बाद में फोन को, जो कि होता है फोन का बैटरी सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, जो कि आईकू 9T काफी आगे निकल जाता है इस सेक्शन में, बिकॉज यहां पर आपको 4700 mAh यानी 4700 mAh की बैटरी मिलती है, एंड 120W यानी 120W के चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, बॉक्स के अंदर चार्जर देखने को मिलता है। अब इससे 0 to 100% फोन को चार्ज करोगे ना, डेफिनेटली 20 मिनट के अंदर चार्ज कर पाओगे। वहीं पर अगर बात करें ओप्पो रिनो 8 प्रो को लेकर, तो यहां पर आपको बैटरी भी थोड़ी सी कम मिलती है, यानी 4500 mAh यानी 4500 mAh की बैटरी। अब ऐसा नहीं है कि बहुत कम बैटरी है, लेकिन हां यहां पर थोड़ी सी कम मिलती है, और 80W यानी 80W के चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि अगर 0 to 100% चार्ज करोगे ना, तो कहीं ना कहीं 25 से 30 मिनट का समय ले लेने वाला है। तो ऐसे में बैटरी और चार्जिंग को देखें, तो डेफिनेटली आईकू 9T एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। और भाई 4nm फैब्रिकेशन प्रोसेस वाला एक चिपसेट दिया गया, तो बैटरी एफिशिएंट हो जाता है। बाकी गाइस अगर बात करें दोनों फोन के कैमरास को लेकर, तो भाई आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया ओप्पो रिनो 8 जो सीरीज होती है, फिर ओप्पो की रेनो सीरीज होती है ना, वो कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स बनाने के लिए जाने जाते हैं, और ओप्पो रिनो 8 प्रो का जो कैमरा है वो ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत ही कमाल का है। बट गाइस आपको बता दूं, जो कैमरा सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं वो बेसिक 30,000 के नीचे 25,000 के नीचे फोन्स दे रहे हैं। जी हाँ गाइस, यहां पर आपको 50 मेगापिक्सल सोनी IMX766 वाला सेंसर देखने को मिलता है, OIS नहीं मिलता इस प्राइस के ऊपर, जो कि बहुत ही बकवास चीज है। अब चलो ये तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, बट यहां पर आपको ना अल्ट्रा वाइड लेंस 8 मेगापिक्सल का मिलता है, 2 का मैक्रो मिलता है। यहां पर आपको 32 की सेल्फी तो काफी अच्छी दी गई है, जो कि सोनी IMX709 वाले सेंसर के साथ में आता है, तो इमेज क्वालिटी आपको फ्रंट से अच्छी मिलेगी। बट गाइस अगर बैक कैमरे की बात करें, तो भाई ओप्पो क्लेम कर रही है कि हमने मारी सिलिकॉन XNPU दिया है, बट उसके बाद में भी जो आउटपुट आया ना, अब तक जितने भी कैमरा सैंपल्स निकल कर आए हैं, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ इस प्राइस के ऊपर बेस्ट है, या फिर बोल सकते हो कि 45 से 50,000 के करीब सबसे कमाल के हैं। नहीं गाइस,
iQOO 9T की बात कर ले तो डेफिनेटली यहाँ पर जो सेंसर यूज किया गया ना वो वीवो का ही सेंसर है। जी हाँ गाइस, आपको बता दूँ वीवो का ही सब ब्रांड है iQOO। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि वीवो की जो ट्यूनिंग होती है, इमेज ट्यूनिंग होती है, वो आपको iQOO के 9T के अंदर मिल रही है। और गाइस वीवो के X80 सीरीज के अंदर जो सेंसर यूज किए गए थे वही iQOO 9T के अंदर लगा दिए गए। जैसे कि बैक में यहाँ पर भी ट्रिपल कैमरा लेंस मिलता है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है, लेकिन वो जो सेंसर है ना वो सैमसंग का G5 सेंसर है। अब ये ऑब्वियसली एक सोनी सेंसर नहीं है, बट सोनी IMX766 अच्छा सेंसर है और इमेज क्वालिटी वीडियो क्वालिटी आपको कमाल की दे देता है, प्लस OIS भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी आपको वीवो का V1+ कस्टम चिप देखने को मिलता है जो कि नाइट मोड में या फिर बोल सकते हो कि लो लाइट में इमेज और वीडियोग्राफी में काफी हेल्प करने वाला है। और भाई वो चीज सामने भी निकल कर आ रही है, ओप्पो रेनो 8 प्रो के मुकाबले काफी अच्छी इमेजेस आप ले सकते हो iQOO 9T से। इसके अलावा भाई यहाँ पर जो दूसरा लेंस दिया गया ना 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, जो कि 8 मेगापिक्सल के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा हो जाता है। एंड लास्ट में आपको 12 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस दिया गया है जो कि 2x ऑप्टिकल जूम के साथ में आता है, तो ये भी यूजफुल सेंसर हो जाता है। इसके अलावा इस वीडियोग्राफी की अगर बात करें ना तो ओप्पो रेनो 8 प्रो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा हो जाता है, बिकॉज बैक में 4K 30fps तक का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। वहीं पर अगर iQOO 9T की बात करें तो बैक से आपको 4K 60fps तक का ऑप्शन देखने को मिलता है, बाकी दोनों ही के फ्रंट में आपको 1080p 30fps वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर कैमरा वाइज बात करें तो अगर आपको बैक कैमरा बहुत ही कमाल का चाहिए iQOO 9T के साइड जा सकते हो। वहीं पर सेल्फी कैमरे की बात आएगी तो ओप्पो रेनो 8 प्रो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख जाएगा। बट गाइस फाइनली अगर बात करें कि ओप्पो रेनो 8 प्रो या फिर iQOO 9T कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट हो जाता है, तो यहां पर मैं बोलना चाहूंगा गाइस अगर आपको ऑफर वगैरह लगा कि ना ओप्पो रेनो 8 प्रो 40,000 के नीचे मिल रहा है, 35,000 से 40,000 के बीच मिल रहा है, डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन है, आपको उस प्राइस के ऊपर जस्टिफाई करता हुआ फोन दिखेगा। बट गाइस अगर बात करें ना कि कहीं ना कहीं 40,000 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 रुपए भी मतलब 45,000 के करीब या फिर 40,000 के करीब, तो मेरे अकॉर्डिंग iQOO 9T एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। अगर गाइस आपको वीवो का ही एक फोन नहीं चाहिए, iQOO 9T काफी आगे निकल जाता है, चाहे परफॉर्मेंस की बात करें या फिर अगर बात करें डिस्प्ले की या फिर अगर हम कैमरा की बात करें या फिर अगर डिजाइन की ही बात करें, तो कहीं ना कहीं iQOO 9T एक बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है। बाकी गाइस आप नीचे अपने ओपिनियन जरूर बता देना, और भाई आप ओप्पो रेनो 8 प्रो क्यों लेना चाहते हो, क्यों आपको पसंद है, ये नीचे कमेंट के अंदर जरूर बता देना। बाकी वीडियो में कुछ भी यूजफुल हेल्पफुल अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आओ ना सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी, मिलते हैं एक और कमाल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।